दोस्तों अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन बाय करेंगे तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप टू स्टेप कंटिन्यू जरूर देखें, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि न्यू स्मार्टफोन बाय करने से पहले इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन गाइस अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। हाँ तो गाइस स्मार्टफोन बाय करने से पहले इन पांच चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा फीचर, इंटरनल स्टोरेज एंड बैटरी कैपेसिटी। प्रोसेसर, किसी भी स्मार्टफोन का जो मेन चीज होता है वो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर पर ही निर्भर करता है कि ये स्मार्टफोन कितना अच्छा होगा। ऐसे ही प्रोसेसर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और दूसरा होता है मीडियाटेक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट एंड यूजर का कहना है कि मीडियाटेक का प्रोसेसर बहुत ही अच्छे है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के मुकाबले में। तो गाइस आपको ये नहीं देखना है कि ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का स्मार्टफोन है या मीडियाटेक का, ओनली आपको ये देखना है कि इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है ये कौन सा कोर का है। कोर चार से पांच प्रकार के होते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर और भी होते हैं जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। चलो दोस्तों आपको हम समझा देते हैं कि प्रोसेसर में कोर कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल, आपके स्मार्टफोन में डबल कोर का प्रोसेसर है लेकिन दूसरे बंदे के पास क्वाड कोर का प्रोसेसर है, तो गाइस आप अपने स्मार्टफोन में दो काम कर पाएंगे, जैसे कि यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना। लेकिन गाइस जिसके पास क्वाड प्रोसेसर है वो एक साथ में चार काम कर पाएगा, जैसे कि यूट्यूब चलाना, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना एंड फेसबुक चलाना एंड मल्टीपल एप्स को भी वो यूज़ कर पाएगा। इसलिए गाइस आपको बता देते कि कौन सा प्रोसेसर का स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर का आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं या आप क्वाड प्रोसेसर का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छा है। इन दोनों में से एक प्रोसेसर का आप स्मार्टफोन खरीदने से आपका बहुत ही अच्छा होगा। आजकल एक प्रोसेसर और भी मशहूर हो रहे हैं जिनका नाम है डेल्टा कोर। ये प्रोसेसर में चार काम नहीं, एक बार में आप 10 काम कर पाओगे। नेक्स्ट, डिस्प्ले भी चार से पांच प्रकार के होते हैं, जैसे LCD, IPS LCD, OLED, AMOLED, सुपर AMOLED। तो आप सोचते हैं कि कौन सा डिस्प्ले को स्मार्टफोन बाय करने से सबसे अच्छा होगा। तो गाइस इसके लिए हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले LCD और IPS LCD के डिस्प्ले को समझाते हैं। LCD, IPS LCD का डिस्प्ले, ये डिस्प्ले 10 से 15 हज़ार के स्मार्टफोन में पाए जाते हैं। गाइस इस डिस्प्ले में एक बल्ब होते हैं जिसके कारण आप वीडियो जब देखते हैं तो मल्टीपल कलर का सही तरह से यूज नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और गाइस जब इस स्मार्टफोन को आप यूज करते हैं तो आपका जो चार्जर है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं और आंख में भी इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि LCD IPS LCD में जो रोशनी निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ, अगर आप LCD IPS LCD के स्मार्टफोन को डार्क मोड में रखेंगे तो कुछ कम इफेक्ट पड़ेगा आपके आंख में। तो गैस अब बात करते हैं OLED AMOLED सुपर AMOLED डिस्प्ले के बारे में। इस प्रकार के डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा बल्ब होते हैं जिसके कारण आप जब वीडियो देखते हैं तो मल्टीपल कलर का सही तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। इस डिस्प्ले के कारण आपका बैटरी बहुत ही कम खाएगा और आपका आँख में जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत कम होगा। ये डिस्प्ले बहुत ही पतला होते हैं जिसके कारण स्मार्टफोन को और भी खूबसूरत बना देते हैं और सटीक काम करते हैं। तो गैस AMOLED डिस्प्ले का कुछ बुराइयां भी है, जैसे कि आप जब वीडियो देखते हैं तो मल्टीपल कलर होते हैं, तो मल्टीपल कलर के होने के कारण अगर एक कलर एक जगह बार बार पड़ जाता है तो वहाँ का डिस्प्ले खराब हो जाता है। इसलिए गैस आपको बता देते हैं कि ये डिस्प्ले कभी कभी खराब भी होता है, लेकिन आप घबराइए मत क्योंकि ये 2 से 3 साल के बाद ही होते हैं। दोस्तों जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होने से बेहतर होगा, लेकिन गैस आपको बताते हैं ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा भी वैसे ही काम करता है और कम मेगापिक्सल का कैमरा भी वैसे ही काम करता है। तो आपको देखना है कि कौन सा ब्रांड का कैमरा है, जैसे कि सोनी का कैमरा होने से बेहतर होगा, और दूसरा देखना है कि HDR 10 प्लस होना चाहिए, और तीसरा आपको देखना है एफीचर्स। सोचते हैं कि एफीचर्स क्या होता है, तो एफीचर्स आपको बता देते हैं, जैसे हम लोग का आँख काम करता है, आँख का पलक झपकने से होता है वैसे कैमरा का भी होता है। फीचर जितना कम होने से उतना ही अच्छा होता है, जैसे कि 1.8 तो ये बहुत ही अच्छा होता है, अगर 2.2 होगा तो ये इतना अच्छा नहीं होगा, अगर 1.8 हुआ तो ये ज़्यादा खोलेगा और अच्छा तरीके से आपका पिक लिया जाएगा। लेकिन गैस आप सोचते हैं कि हम कम मेगापिक्सल का स्मार्टफोन क्यों खरीदे, हम ज़्यादा मेगापिक्सल का स्मार्टफोन खरीदेंगे, तो आप खरीद सकते हैं भाई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि गैस कंपनियाँ हम लोग को बहुत ज़्यादा चुतिया बना रहे हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि गैस कंपनियां हम लोग को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आपको बता दें एग्जांपल के साथ, आपके पास 16 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और दूसरे बंदे के पास 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी इस बॉक्स के अंदर में आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो यहां आपको सोचना चाहिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा इस बॉक्स के अंदर आ गया तो फिर 64 मेगापिक्सल का कैमरा इस बॉक्स के अंदर कैसे आया।
इसका सोल्यूशन कंपनियां ने इस तरह से निकाला है कि 16 मेगापिक्सल के कैमरा को छोटे छोटे टुकड़े में चार गुना किया, फिर चार गुना करके उसको 16 को चार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर 16 इंटू चार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा 64 मेगापिक्सल। तो फिर इस बॉक्स के अंदर में आप घुसाओगे तो फिर घुस जाएगा, लेकिन गैस अगर इसी को बड़ा करके घुसाओगे इस बॉक्स के अंदर में तो नहीं घुसेगा। तो गैस आपके पास 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गैस यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा आप देख के बोलते हैं ये और भी अच्छा होगा, लेकिन गैस इसका काम दोनों बराबर ही काम होगा। तो गैस आप देखिए सभी कंपनियां ने हम सभी लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं और बताते हैं कि ये इतने मेगापिक्सल का कैमरा, ये इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन गैस ये कैमरा तो एक्चुअली में छोटा ही होता है। तो गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी का। तो स्मार्टफोन के बैटरी भी 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से स्मार्टफोन का 2 बैटरी बहुत ही मशहूर है, लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयरन। लिथियम पॉलीमर एक ऐसा बैटरी है जो कि बहुत हल्के होने के साथ साथ चार्ज ही बहुत ही जल्दी करते हैं और इसका चार्ज बहुत ज़्यादा टिकते हैं। लिथियम आयरन ये भी बैटरी आजकल बहुत ही चर्चित में आ रहे हैं, जो कि हल्का के साथ साथ चार्जिंग भी बहुत टिकते हैं। और बात करें चार्जिंग कितने टाइम में होता है, तो गैस ये स्मार्टफोन में आप बहुत ही जल्दी चार्जिंग कर लोगे क्योंकि इसका जो बैटरी होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो गैस हम स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में 2 बैटरी का नाम बताएं आपको, इन दोनों बैटरी को देख करके आप स्मार्टफोन बाय करिएगा क्योंकि ये दोनों बैटरी बहुत ही अच्छा है। तो गैस अब बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। तो इंटरनल स्टोरेज भी 2 प्रकार का होता है, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आप सोचते हैं भाई इंटरनल स्टोरेज किसे कहते हैं, तो आपको बता देते हैं इंटरनल स्टोरेज उसे कहते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन में खुद होता है, जैसे कि रैम और रोम। रोम उसे कहता है जब आप अपने स्मार्टफोन में वीडियो डाउनलोड करते हैं, ऑडियो डाउनलोड करते हैं या मल्टीपल ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, जिस जगह में वो रहता है उसे रोम कहते हैं। और अगर बात कर रहे हैं रैम का, तो रैम किसे कहता है, रैम उसे कहता है जो आपके स्मार्टफोन को संभालता है उसे रैम कहता है। तो गाइस जब आप स्मार्टफोन बाय करते हैं तो आप इंटरनल स्टोरेज को ध्यान में रख करके खरीदिएगा। 4 GB रैम होना चाहिए, 64 GB रोम होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। अगर कम होगा गाइस तो आजकल आप मल्टीपल ऐप्स को डाउनलोड करते हैं एंड डिजिटल इंडिया है या डिजिटल वर्ल्ड है आप अगर इस जगह में रहते हैं, तो आप सोचिए अगर आप 4 GB रैम और 64 GB रोम से कम स्मार्टफोन खरीदिएगा तो वो स्मार्टफोन को आप अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गैस आप इंटरनल स्टोरेज को देख करके स्मार्टफोन बाय करिएगा, ये भी एक स्मार्टफोन का मेन चीज़ होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे कि स्मार्टफोन किस तरह से बाय करना चाहिए, स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, ये सब चीज़ का जानकारी आपको मिल चुकी है। आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं, तो इसके लिए भाई सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।